प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। और अभी तक जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा, वो लोग उन पार्ट को पहले देख लो, ताकि आप लोगों का कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, हमारे कैटरीना और उनके दोस्तों को पता चल जाता है कि कीथ कहाँ पर है, और वो लोग उस दरवाजे को ढूंढ भी लेते हैं। फिर वो दरवाजे के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा डरावना डार्क मैजिक का ऑरा देखते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट में डार्क मैजिक था कि सिर्फ मारिया नहीं, उसके साथ साथ सभी लोग इस डार्क मैजिक को देख पा रहे थे। ये सब देख के तो वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तभी कैटरीना देखती है कि कीथ सामने बेहोश होकर पड़ा हुआ है। यह देख के वो दौड़ के कीथ के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कीथ कोई आवाज़ नहीं देता, वो पूरी तरह से बेहोश था। कीथ अभी भी जिंदा है, ये देख के हमारी कैटरीना तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो फिर से दुखी हो जाती है ये देख के कि कीथ कुछ भी नहीं बोल रहा है। उस वक्त मारिया उन लोगों को बताने लगती है कि यहाँ पर जो डार्क मैजिक यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सिर्फ मैं नहीं आप लोग भी इसको देख पा रहे हो। इससे लाना मारिया से पूछती है कि मारिया क्या तुम ठीक हो? तो मारिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, मैं यहाँ तक ही आ सकती हूँ। उसके साथ साथ सोना भी बताता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी इससे आगे नहीं जा सकता। फिर मारिया कहती है कि हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कीथ और इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सुन के तो कैटरीना और भी ज़्यादा कोशिश करने लगती है कीथ को जगाने के लिए, लेकिन कीथ नहीं उठता। फिर वो सभी डिस्कस करने लगती है कि कीथ को इस डार्क मैजिक से कैसे हटाया जाए। ये मैजिक इतना स्ट्रांग है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीथ के जान को खतरा हो सकता है। इससे कैटरीना कहती है कि फिर हमें उस पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसने ये स्पेल किया है, जिसने इस डार्क मैजिक को क्रिएट किया है, वही इस स्पेल को हटा सकता है। इससे लाना भी एग्री करती है। फिर लाना कहती है कि तो हम लोग बाहर जाके ढूंढते हैं उस पर्सन को, वो ज़रूर इस घर के आसपास ही होगा, और तब तक तुम दोनों कीथ के पास रहो। इससे वो लोग भी मान जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक अंधेरा का सीन दिखाया जाता है। इसी अंधेरों में हमारा कीथ, जो अब छोटा बन चुका है, वो अपने नींद से जागता है, और फिर वो देखता है कि वो नीचे गिर रहा है, और सुनता है कि सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं कि तुम कर्स चाइल्ड हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, वगैरह वगैरह, हम तुम्हें नहीं चाहते। ये सब सुन के हमारे कीथ अपने मन में कहता है कि हाँ मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था, अगर मैं डिसअपेयर हो जाऊँ तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए धीरे धीरे वो अंधेरों में डूब जाता है। फिर से सीन बदलता है और हमें कैटरीना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कैटरीना रोते हुए कहती है कि क्यों कीथ को ही ऐसा क्यों होना था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ कीथ, तुम कितने अच्छे हो, जेंटल हो, बहुत ही काइंड पर्सन हो, तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हुआ। ये कहते हुए वो रोने लगती है। जियोडो भी उसके पास बैठा हुआ दुखी फील कर रहा था। तभी हमारी कैटरीना सडनली बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि जिसने भी ये कीथ के साथ किया होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते ही वहाँ पर सब कुछ चमकने लगता है। ये देख के वो दोनों ही काफ़ी चौंक जाते हैं। तभी हमारी कैटरीना देखती है कि उसी ब्रोच के अंदर से ये लाइट आ रहा है, जो ब्रोच हमारे जियोडो ने उसे गिफ्ट किया था। तभी वो ब्रोच अचानक से हवा में उड़ने लगता है और उसके लाइट से वो डार्क मैजिक धीरे धीरे से एक रस्सी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख के हमारी कैटरीना उस रस्सी को खींचते हुए कीथ से निकालने लगती है। इतने खतरनाक डार्क मैजिक को हमारी कैटरीना ऐसे निकाल रही थी कि एक फूल तोड़ रही हो। उसे ऐसा करते हुए देख के तो हमारा जियोडो स्पीचलेस हो जाता है और उसे ही देखता रहता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कीथ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कीथ को बहुत सारे आवाज़ बुला रहे थे। ये सब आवाज़ सुन के हमारा कीथ सोचता है कि क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ, यह आवाज़ बड़े जाना पहचाना लगता है। फिर वो ध्यान से इस आवाज़ को सुनने लगता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि यह आवाज़ किन लोगों का है, और तब उसे कैटरीना और उसके फैमिली के साथ बिताए गए वो मोमेंट याद आ जाता है। फिर वो अपने सामने उस अंधेरों में एक छोटा सा रोशनी देखता है। ये देख के वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से बंधा हुआ था डार्क मैजिक से, और इसलिए वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है जाने के लिए। ऐसे चलते हुए उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग उसके साथ थे। हाँ, एक समय था जब वो एक अनवांटेड चाइल्ड था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग उसके साथ हैं और उसे खुश देखना चाहते हैं, और अगर वो ऐसे ही गायब हो जाएगा तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी फील करेंगे। और ये सब याद करने के बाद उसे आखिर में हमारी कैटरीना का याद आता है, और ये सब याद करके वो पूरा डिटरमाइंड हो जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, और मैं मेरे वादे को नहीं तोड़ूंगा।
यह कहते ही वो अंधेरा मिट जाता है और वहाँ पर रोशनी हो जाता है और वहाँ से कैटरीना कीथ के सामने आती है। यहाँ आके कैटरीना सिर्फ मुस्कुराती है और कीथ के सामने अपना हाथ आगे करती है। ये देख के कीथ भी मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है, लेकिन वो उसके हाथों में अपना हाथ नहीं रखता बल्कि पीछे जाके उसको पीछे से हग कर लेता है। वाह वाह कीथ, तुम तो बड़े साहसी बन गए। इसके बाद सीन बदलता है और सीन रियलिटी में आता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना उन सब डार्क मैजिक वाले रस्सियों को निकाल रही थी और वो निकालते हुए कहती है कि ये डार्क मैजिक अगर थोड़ा सा क्यूट होते तो मैं इसे इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार नहीं करती। तभी वो अपने पास से कीथ का आवाज़ सुनती है तो वो दौड़ के जाती है और कीथ को जाके हग कर लेती है और उसे हग करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो कीथ। और फिर वो बहुत ही सिंसियरली कीथ की तरफ देखने लगती है। कैटरीना को ऐसे देख के हमारे कीथ बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाता है उससे और इसलिए वो कैटरीना के पास जाता है और उसे किस कर देता है। ओह माय गॉड, आखिर में ये हो गया। दोस्तों ये सीन देख के तो मेरे गूसबम्स आ गए। हमारे कीथ को लग रहा था कि वो अब तक सपना देख रहा है इसलिए वो कैटरीना को ऐसे किस कर देता है और फिर वो ये कहते हुए बेहोश हो जाता है कि ये सपना बहुत ही खूबसूरत था। अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये देख के तो हमारी कैटरीना और जियोडो दोनों ही बड़े चौंक जाते हैं। फिर उन दोनों के पास में कुछ आवाज़ होने लगता है। फिर वो लोग जब उस तरफ देखते हैं तो वो डार्क मैजिक एक पपी में बदल जाता है और पपी बनते ही वो कूद के कैटरीना के पास आ जाता है। ये देख के तो जियोडो बेचारा काफ़ी हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि वो डार्क मैजिक एक पपी में बदल गया। उसी वक्त वहाँ पर उनके पीछे से एक लड़की आती है और वो आके ये सब देख के हंसने लगती है। फिर वो धीरे धीरे कैटरीना के पास आती है और कहती है कि तुम तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। मैं डार्क मैजिक से एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इसकी मदद से मैं एक डार्क फेमेलियर बनाना चाहती थी जो सिर्फ मेरी बातों को माने, लेकिन लगता है कि उसको तुमने अपना बना लिया। ये तुमने कैसे किया? तुम तो एक साधारण लड़की हो, तुम्हारे अंदर तो डार्क मैजिक नहीं है, तो फिर तुमने ऐसा कैसे किया? और ये कहते हुए वो कैटरीना के काफ़ी क्लोज आ जाती है और उसे घूरने लगती है। इससे हमारी कैटरीना काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो तभी हमारे जियोडो उसे अपने पास खींच लेता है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाते हुए कहती है कि ठीक है तुम इस फेमिलियर को रख सकती हो और वैसे भी ये तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है, तो फिर ठीक है बाद में मिलेंगे, बाय बाय। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद उनके सारे दोस्त भी यहाँ पर चले आते हैं और आके इस पपी को देख के वो सभी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कैरेज की मदद से ये सभी अब घर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि शुक्र है कि कीथ ठीक है और वो सिर्फ सो रहा है। तभी अचानक से हमारे जियोडो अपने फ्लर्टी नेचर को एक्टिवेट कर देता है और वो आगे बढ़ते हुए कैटरीना को किस कर देता है। फिर वो कैटरीना को रिमाइंड करता है कि वो हमारे कैटरीना से कितना प्यार करता है और कोई दूसरे आदमी कैटरीना को छुए ये उसे पसंद नहीं। ये सब सुन के हमारी कैटरीना बहुत ही फ्लस्टर्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है। इसी तरह शांति से वो लोग कीथ को लेके घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि हमारी कैटरीना वही पपी के साथ खेल रही है। ये सब देख के एन उसे पूछती भी है कि ऐसा करना क्या ठीक है, तो कैटरीना जवाब देती है कि हाँ ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह एन को बताती है कि हमारा तो प्लान था कि हम इसे मैजिक डिपार्टमेंट पे छोड़ आए, लेकिन वो तो मुझसे एकदम चिपके बैठा था और वो जाना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं भी कुछ कर नहीं पाई और उसको मुझे मेरे साथ लाना पड़ा। लेकिन देखो ना ये कितना प्यारा है, इसे मुझे खाना नहीं देना पड़ता और ये मेरे सारी बात मानता है। उसी वक्त वहाँ पर एक मेड आती है और कैटरीना को इन्फॉर्म करती है कि कीथ जाग गया है। ये न्यूज़ सुन के तो हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर वो कीथ के पास जाने लगती है। ये देख के वो डॉग भी जल्दी से जाके कैटरीना के शैडो के अंदर घुस जाता है। ये सब सीन हमारी एना को काफ़ी चौंका दे रही थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी कैटरीना दौड़ के अपने कीथ के पास जाके उसे हग कर लेती है। ये देख के कीथ कहता है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, मैं अभी काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। उसी वक्त हमारी कैटरीना को वही किस वाला सीन याद आ जाता है तो वो झटाक से वहाँ से उठ जाती है। कैटरीना का ये बिहेवियर कीथ को समझ नहीं आता तो वो उससे पूछ लेता है, तो इससे हमारी कैटरीना थोड़ा सा हिचकते हुए कहने लगती है कि तुम वहाँ पर उस वक्त थोड़ा सा आधा नींद में थे इसलिए तुमने। ये सब सुन के हमारे कीथ भी समझ जाता है कि वो किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। इसे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर कहता है कि क्या क्या वो सच में ड्रीम नहीं था।
उसे ऐसे देख के हमारी कैटरीना कहती है कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मुझे पता है, मुझे समझ में आ गया, ये गलती से हो गया। हाँ हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस सब तुम्हें सबके बारे में भूल जाओ। हाँ ये बहुत ईजी है, तुम भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था। ये भूल जाने वाली बात सुन के हमारे कीत बहुत ही खामोश हो जाता है। फिर वो बेड से उठता है और कहता है कि क्या मैं भूल जाऊँ? मेरे लाइफ में फर्स्ट किस जिसको मैं प्यार करता हूँ मैंने उसको किया, और तुम कह रही हो कि मैं इसके बारे में भूल जाऊँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूल सकता। ये सब सुन के हमारी कैटरीना काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है कीत? इससे हमारा कीत बहुत ही नर्वसली कह देता है आई लव यू, मैं बचपन से सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता आया हूँ और वो तुम हो। कैटरीना मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। सडनली अपने भाई से लव कन्फेशन सुन के हमारी कैटरीना तो स्पीचलेस हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो क्या कहेगी समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त चले आते हैं और कहने लगते हैं कि कीत अब तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो, चुप हो जाओ। तभी जियोडो कहता है कि क्या तुम लोग भूल रहे हो कि वो मेरे फियांसे है, वो मेरी है। ये सुन के सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या कह रहे हो, कैटरीना किसी को बिलोंग नहीं करता, वो एक चीज़ नहीं है, वो एक इंसान है। तभी हमारा कीत कैटरीना को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। इससे जियोडो गुस्से में आगे कहता है कि वो मेरी है, लेकिन हमारा कीत ये नहीं मानना चाहता था। इस तरह उन दोनों में एक छोटा सा फाइट स्टार्ट हो जाता है और ये सब देख के तो हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, और उसका तो सिर चकराने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या ये सब सच है या फिर वो कोई सपना देख रही है। तो इसी एक सीन के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है और हम लोग इस सीरीज़ के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और जाते जाते अपने उन स्वीट हाथों से उस लाइक बटन पर मुक्का मार के जाना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।